अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मैनिया में। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरे एक दोस्त आबिद की फरमाइश पे बनाई जा रही है। अगर आपके पास भी कुछ यूनिक टॉपिक्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की कुछ महंगी तरीन चीज़ों का जिक्र करेंगे। दोस्तों, ये चीज़ें कौन सी हैं, ये क्यों इतनी महंगी हैं और इनके मालिकान कौन है, जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लोटिंग बेड हवा में तैरता हुआ एक पलंग है जो कि होलोग्राफिक इल्यूजन नहीं है बल्कि वाकई हवा में तैरता है। दोस्तों, इसे जदीद मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसमें किसी चीज़ पर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके ज़मीन की कशिश शक्ल को ख़त्म किया जाता है और वो चीज़ हवा में ही रहती है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से बनने की वजह से ये बहुत महंगा पलंग है और इसकी कीमत तकरीबन 2.25 अरब रुपये है। दोस्तों, डेड शार्क दरअसल में एक आर्ट वर्क है जिसे बरतानवी आर्टिस्ट डेमीन हिस्ट ने बनाया था। दोस्तों, इसमें एक असल टाइगर शार्क को फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड का इस्तेमाल करके एक शीशे में रखा गया है। दोस्तों, इसे 1991 में तैयार किया गया था और इसे स्टीवन ए कोहन नामी एक अमरीकी शख्स ने तकरीबन 8.5 अरब रुपये देकर ख़रीदा था। दोस्तों, इसके हालिया मालिक ने अपना नाम तो मीडिया से छुपाया हुआ है, मगर उसने स्टीवन कोहन को 12 अरब रुपये देकर इसे ख़रीदा था। दोस्तों, इस डेड शार्क का शुमार दुनिया के महंगे तरीन आर्ट वर्क्स में किया जाता है। दोस्तों, कार्ड प्लेयर्स दरअसल में एक फ्रेंच आर्टिस्ट पॉल कजीन की बनाई हुई एक पेंटिंग है जिसमें दो ताश खेलते हुए बंदों की तस्वीर को क्लासिकल पेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है। दोस्तों, इस पेंटिंग को कतर के एक शाही खानदान ने 275 अरब रुपये की भारी कीमत अदा करके ख़रीदा था। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस पेंटिंग का शुमार दुनिया के महंगे तरीन फनपारों में भी किया जाता है। दोस्तों, अंतिलिया इंडिया के शहर मुंबई में मौजूद एक घर है जिसकी ऊंचाई 568 फुट है और ये 27 मंजिलों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इसके मालिक का नाम मुकेश अंबानी है जो दुनिया के टॉप अमीर लोगों की फहरिस्त में भी शामिल है। दोस्तों, इस घर में हेलीकॉप्टर्स के उतरने के लिए 3 हेलीपैड्स और 160 गाड़ियों के लिए पार्किंग भी मौजूद है और 600 मुलाजमीन इस घर को चलाने के लिए हर वक्त काम काज में मसरूफ़ रहते हैं। और दोस्तों, जहां तक बात है इसकी कीमत की, तो ये 2000 अरब रुपये की मालियत का घर है। दोस्तों, इतनी बड़ी रकम इंडिया से गुरबत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगी। दोस्तों, आप सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कश्ती में सफ़र ज़रूर किया होगा और लुत्फानंदोज़ हुए होंगे, मगर अभी मैं आपको जिस याट यानी कश्ती के बारे में बताऊंगा, वो यकीनन आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, द हिस्ट्री सुप्रीम याज नामी एक कश्ती 4.5 हज़ार अरब रुपये मालियत की है, क्योंकि इसे 1,00,000 किलोग्राम खालिस सोने और प्लाटिनियम का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और दोस्तों, इस कश्ती के अंदर की डेकोरेशन के लिए टीरेक्स नामी डायनासोर की हड्डियों और मिट्योर यानी शहाब साकिब का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इतनी महंगी इस कश्ती के मालिक का नाम रॉबर्ट क्योक है जो कि मलेशिया का एक जाना माना बिजनेसमैन है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ महंगी तरीन चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।